मरीजों की संख्या बढ़कर 600 के पार चली गई है। रायपुर में पीलिया फैलने की वजह गंदा पानी बताया गया है, जिसमें 64 इलाकों से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। 64 में से 34 जगहों का पानी दूषित पाया गया है। आपको बता दें कि पानी में तमाम तरीके के गंदे केमिकल्स नजर आए, जिसकी वजह पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। यानी कि कोरोना से तो ज्यादा वहां पर पीलिया के मरीज हैं, तो प्रशासन के लिए कोरोना से पहले पीलिया से निपटना बहुत आवश्यक हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, कोरोना से ज्यादा पीलिया से जूझ रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़। पिछले दफे भी हमने जानने की कोशिश की थी कि प्रशासन इसको लेकर क्या सतर्कता बरत रहा है, अपडेट्स इसको लेकर क्या मिल रहे हैं? जी, राजधानी में जो पीलिया है, उन्होंने पीलिया पिछले कई सालों से रिकॉर्ड तोड़ दिया पीलिया ने, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि गर्मी के मौसम में पीलिया मरीज पाए जाते थे, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ मरीज जो पाए गए हैं, क्योंकि इस बार जो संख्या है वो 642 हो गई है मरीजों की संख्या। और राजधानी में 28 और बेलगांव में पीलिया के 2 मरीज जो है वो मिले हैं। पीलिया पीड़ितों की संख्या 642 पहुंच गई है। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में जो है लक्षण वो जगह जगह शिविर लगाकर जांच कर रहे हैं, और साथ ही लोगों को पानी उबालकर पीने की भी हिदायत दे रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अभी 75 जगहों का पानी सैंपल की जांच की है, जिसमें से 42 जगहों का पानी जो है वो दूषित पाया गया है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि राजधानी में 2000 तक पीलिया के जो मरीज है वो संभावित मरीज पाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। वही अगली खबर, जहां राजस्थान के जैसे